तो आई सबसे पहले हम अनु दुबे देव के देव महादेव जी के चरण में कोटि कोटि नमन करतानी, आ साथ ही साथ आप तमाम शिव भक्त के हार्दिक अभिनंदन करतानी। आज बड़ा ही खुशी के बात बा, बड़ा ही सौभाग्य के बात बा कि हमरा शिव विवाह कथा कहे के आ कुछ गावे के मौका मिलल बा। शिव विवाह यानी भगवान भोले शंकर के बियाह, शिव मतलब सृष्टि, शिव में ही सृष्टि समाइल बा। तब भक्त लोग जे भी शिव के गुणगान करेला, शिव के ध्यान करेला, शिव के कथा सुनेला, ओकर ए सृष्टि से ए दुनिया से उद्धार हो जाला, ओकरा तृप्ति मिल जाला। तो आए भक्त लोग ए संगीतमय शिव विवाह में हमार जे जे सहयोग कैले बा ओकर पात्र परिचय कराओ तनी। ई संगीतमय शिव विवाह कथा लिखले बानी आदरणीय आर आर पंकज जी, म्यूजिक से सजौले बानी लवली शर्मा जी, आ ई कथा के रिकॉर्ड कैले बानी आदरणीय कैलाश जी मैक्स स्टूडियो दिल्ली, सहयोग कैले बानी हमार पापा जी श्री धर्मेंद्र दुबे जी, आ आशीर्वाद बा हमार गुरु जी आदरणीय पंडित रामेश्वर तिवारी जी के, जौना कथा के आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहल बा भोजपुरी संगीत के सबसे बड़ कंपनी यानी वेव म्यूजिक कंपनी। तब प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। See you.
आई भक्त लोग कथा पर चलल जाओ। राजा हिमांचल के पुत्री पार्वती अपन घर द्वार माई बाप सबके त्याग के जाके जंगल में शिव जी के पावे खाती तपस्या करतरी। आ एने भगवान शिव शंकर 87,000 बरिस खाती समाधि लगौले बनी। पार्वती के ऐसन घोर तपस्या देख के आ भगवान भोलेनाथ के समाधि में लीन देख के ब्रह्मा जी विष्णु जी सब देवी देवता परेशान हो गए। तब देवता लोग सोचे लागल कि अगर ये ध्यान ना टूटी आ शादी ना जूटी तब इस सृष्टि के कल्याण कैसे होई। सब देवता लोग भगवान भोलेनाथ के जगावे खाती प्रयास करे लागल, लेकिन डरे केहू लगे नहीं खे जात। अगर भगवान भोलेनाथ खिसिया गईले तब तब उछी सब गड़बड़ बा। अब देखी ब्रह्मा जी विष्णु जी आ संगे संगे सब देवता लोग आपस में मिल के सलाह कोई कि भोलेनाथ के ध्यान कैसे तुरल जा। तब ब्रह्मा जी कहनी कि ऐसन कठिन काम कामदेव ही कर सकता रे। अब देखी सब देवता लोग मिल के कामदेव के लगे जाता आ कामदेव से सब बात बतावता कि रउआ भगवान भोलेनाथ के तपस्या तूरी न तो अनर्थ हो जाई। काहे से कि पार्वती भगवान भोलेनाथ के पावे खाती जंगल में जाके तपस्या कर रहल बड़ी। अब देखी भक्त लोग कामदेव भी ये खतरनाक काम करे खाती तैयार नहीं होत। कामदेव भी कहत रे ऐसन खतरनाक काम हमरा से ना हुई। तब ब्रह्मा जी समझौनी हा कामदेव ये काम तोहरे करे के परी ना तो इस सृष्टि के कल्याण ना हुई। अब देखी ब्रह्मा जी से आदेश पौला के बाद कामदेव भगवान भोलेनाथ के तपस्या तुरे खाती सुंदर सुंदर अप्सरा लोग के भेजतनी नर्तकी के भेजतनी आ कहतनी कि हे अप्सरा अतना सुंदर सोच सवर के जाके ओइजा नाचे के बा गावे के बा कि भगवान भोलेनाथ के ध्यान टूट जा। अब देखी अप्सरा लोग सोच सवर के भगवान भोलेनाथ के लगे गइल बा जहां भगवान समाधि लगौले बनी। अप्सरा लोग अपन अपन रूप कला अपन अपन सुंदरता आ अपन अपन मोहिनी मंत्र से भगवान भोलेनाथ के जगावे के कोशिश करता, लेकिन भगवान भोलेनाथ टॉस से मोस नखी होत। सारा अप्सरा लोग के बुद्धि फेल हो गइल बा। अप्सरा लोग कहता कि अरे बाप रे बाप ये देव होवे कि पत्थर होवे। भक्त लोग अप्सरा लोग निराश होके कामदेव के भीरी पहुंचल ह। कहता लोग कि हे कामदेव जी दुनिया में बहुत प्राणी देखनी लेकिन ऐसन अद्भुत जीव कहीं ना मिलल। हमनी के इतना नचनी हसन गौनी हसन लेकिन ओ बुढ़ऊ के मन ना डोलल ह। तो देखिए एगो कैसन गीत के भाव लागल। जगाए हारी हो
कि भगवान भोलेनाथ के सब केहू जगा के हार गई बा, तबो भगवान भोलेनाथ नइखी जागत। अब खुद कामदेव ही भगवान भोलेनाथ के जगावे खातिर चल देले बानी। कामदेव के आगमन होते ही बसंत ऋतु छा गई, चारों तरफ फूल फुला गई, नजारा मन के बहुत भावे लागल, तबो भगवान भोलेनाथ नइखी जागत। तब कामदेव के क्रोध आइल ह आ एगो गाछ पर चढ़ गनी ह आ चढ़ के तीर से निशाना सधनी ह आ भगवान भोलेनाथ पर बाण चला देनी ह। आ जैसे वो बाण भगवान भोलेनाथ के लागल ह, भगवान के तीसरका आँख खुल गइल ह आ तीनों त्रिलोक डोले लागल ह आ सृष्टि में हाहाकार मच गइल ह। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के तीसरका आँख के पहिलका ज्योति कामदेव पर पड़ल, कामदेव ओही जा जर के राख हो गइल हन, भस्म हो गइल हन। अब देखी भगवान भोलेनाथ समाधि से जाग गइल बने। अब देवता लोग पहुंचल ह भगवान भोलेनाथ के दरबार में। भगवान भोलेनाथ कहतनी कि का बात बा आज रउआ सब है इहां। देवता लोग कहल ह रउआ के पावे खाती पार्वती जंगल में तपस्या कर रहल बानी, उ रउआ से ब्याह कइल चाहतरी। तब देखी एजा एगो कवि के बड़ा बढ़िया एगो भाव लागल बाटे। देवता लोग कहता कि भोले बाबा करी भोले बाबा ई सब बात सुन के ठठा के हंसे लगनी। बियाह हमरा जैसन गजेड़ी भंगेड़ी से बियाह के करी? अरे के हमर भांग पीसी आ के हमरा जोरे टूटही पलानी में गुजारा करी? के हमरा जोरे कैलाश पर रही? के हमरा संगे जंगल में रही? अरे हमरा से केहू बियाह ना कर सकेला। हे देवगण आप सब हमरा के मत भरमाई। देवता लोग कहल ना प्रभु ना, रउआ बियाह करे के परी, पार्वती रउए से बियाह करी है। भगवान भोलेनाथ के देवता लोग के बात पर भरोसा ना भइल। तब भगवान भोलेनाथ सप्त ऋषि लोग के बोलौले आ कहतनी हमरा खातिर पार्वती जी जंगल में जाके तपस्या करतारी, तनी जाके तू लोगिन पता कर लोगिन तो कि सही में वो हमरा के चाहतारी कि ना। आ जाके उजा हमार जितना शिकायत बा सब जाके उजा कह देवे के बा, कैसहू हमार बियाह काट देवे के बा। सप्तऋषि लोग महादेव के आज्ञा पावते ही कहता कि जैसन राउर इच्छा महादेव हमनी के उहे करब सब जौन रउआ चाहता नहीं। तो देखी बियाह कटवा एही बेरा ना, ओहू बेरा बियाह कटवा रहे लोग। आ बियाह कटवा लोग चल देले बा बियाह काटे खाती। आ सप्तऋषि लोग जंगल में जाता जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रहल बाड़ी। अरे जेकरा खाती धरलु धाया नामा आ लगनवा तोहरो लागल आ बड़े हो राम। ए गौरा तू जेकरा खाती तपस्या कर तरु जाना तरु के हुए पागल हुए पागल। अरे ओकरा रहे के घर नहीं खे, पेन्हे के बस्तर नहीं खे, उ तो खुदे पतई चबावे ले तो तारा के का खियाई है। गौरा ए गौरा अलग जाए भगिया में अगिया, ए लग जाए भगिया में अगिया, साजनवा तोहरो पागल बड़े हो राम, और भगिया तोहरो
तो अब तीसरकू जाना आ गया तारे हटो लोगिन ई काम तारा लोगिन से ना होई ई हम ही करम। तब देखी तीसरकू जाना का कहतारे कि पार्वती आँख खोलो आँख ना तो तहार जिंदगी नरक हो जाई नरक आ का उ बौराह के फेरा में परल बाड़ू। पार्वती के समझावे लगले कि बर बीसम बीसम बीसा आ बर ताके एके दिशा बर के घर में चांद सूरज के ज्योति आ बर पेन ही ना पियरी धोती। अरे बुझला हो एकरा मतलब का होला कि बर बीसम बीसम बीसा यानी बीस बीस आ बीस साठ बरिस के लैका बा आ बर ताके एके दिशा एके कोर ताके ले कंडेर मारे बुझली ह आ बर के घर में चांद सूरज के ज्योति डायरेक्ट सूरज भगवान के ज्योति आवेला घर द्वार नहीं खे पर्वत पहाड़ पर रह के पड़ी। आ बर के घर में चांद सूरज के ज्योति आ बर पेन ही ना पियरी धोती बर पियरी धोती ना पहनी है उनका डरे से बुझा कि मिर्गा छला हो। अरे समझलू गौरा अरे तू राजा महाराजा के बेटी हो तू कोनो राजकुमार से ब्याह कर तू आ का है बुढ़ऊ के फेरा में पड़ल बाड़ू। ई सब सुनला के बाद गौरा जी से बर्दाश्त ना भई शंकर जी के शिकायत। तब कहतरी कि सुनी सभे मुनि रउआ सब के ऐजादाल ना गली रउआ सब टरी आ आपन आपन घर धारी हम करब उहे गजेरिए से बियाह उहे जोगिया से बियाह करब। I'm not joking.
सब सुनला के बाद सप्त ऋषि लोग बुझ गइल कि ई बियाह हमनी से त ना कटी। तब गइल लो भगवान भोलेनाथ के लगे आ कहल लो कि हे भोलेनाथ, राउर बियाह होइबे करी, ई बियाह गणासियों से ना कटी, काहे से कि पार्वती रउआ के मन ही मन में अपन स्वामी मान लेले बड़ी। तब भगवान भोलेनाथ कहनी, आए ऐसा बात है, तब मुझे स्वयं परीक्षा लेना पड़ेगा। आ अब देखी भगवान के लीला, भगवान स्वयं परीक्षा लेवे खातिर चल देले बनी, आ देखी कैसन भेष बनले बनी। आय रे दादा, कितना निमन लागत, देखी देखी आई जोगी के भेष दा के भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के परीक्षा लेवे खातिर स्वयं जंगल में चल देले बनी। आई जाएगो गीत के भाव बा। भगवान भोलेनाथ पार्वती के केतनो समझावतनी, लेकिन पार्वती अपन आँख नहीं खोलर। तब पार्वती जी कली है कि हे महाराज, हम जकरा खाती तपस्या कर रहल बनी, जकरा के हम सच्चा दिल से चाहतनी, उ हमरा सामने आई तबे हम अपन आँख खोलब। पार्वती के वचन सुन के भगवान भोलेनाथ भाव भी बहुर हो गई है। तब कहतनी, देवी आँख खुला, तू जकरा के चाहता रू उ तरह सामने साक्षात खड़ा बा। तब पार्वती आँख खोल ली है। आँख खोलते ही भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन पाके पार्वती धन्य हो गईली, भाव विभोर हो गईली। आ देखी भक्त लोग, एजा शिव पार्वती के पहला मिलन होता। पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरण में लिपट गईली, रूप निहारे लगली आ कहे लगली कि कैसे लोग रुआ के कहत रहे कि रुआ बौराह बनी, रुआ तो तीनों त्रिलोक से सुंदर बनी। तब देखी कवि के कैसन भाव लागता।
अद्भुत मिलन के बाद भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहतनी कि पार्वती अब तू अपना घरे जा, हम स्वयं बारात लेके दूल्हा बन के तरह घरे आई। अब देखी भक्त लोग ब्रह्मा जी राजा हिमांचल के घरे खबर भेजवातनी कि राजा हिमांचल के मालूम कि भगवान भोलेनाथ पार्वती से शादी करे खातिर तैयार हो गए बनी। अब देखी दुल्हो तैयार, कनियो तैयार, तो चली हमनी के मिल के शादी के कार्यक्रम शुरू कर जाओ। आज भगवान भोलेनाथ के तिलक हुए। देखी पहले के तिलक आज के तिलक में कितना अंतर बढ़ुए। आज एगो तिलक में 500 आदमी जाता रहे आ पोतल आ पूरी के धुरकुस उड़ा देता रहे, लेकिन ओ घड़ी ऐसन रिवाज ना रहे। राजा हिमांचल तिलक चढ़ावे खाती विप्रदेव यानी कि ब्राह्मण औरी हजाम मात्र दुई आदमी के शिव जी के दरवाजा पर भेजतनी तिलक चढ़ावे खाती। आ तिलकहरो लोग जब आंगन में पहुँचता तो देखी हमनी के हिंदू धर्म में तिलक के बेरा एगो बड़ा बढ़िया गीत होला, आई सुनल जाओ। तिलकहरू लोग के विदाई से पहले हमने के यहाँ भोजन करावल जाला। आ जब तिलकहरू लोग भोजन करे खातिर बैठेला तब हमने के यहाँ माई बहिन चाची लोग मिल के जेवनार गावे। तो शिव जी के तिलक में भी देखी सप्तऋषि लोग के औरत लोग मिल के जेवनार गावता। उ कैसे बना
वापस लौटा था। पार्वती के माई मैना रानी नारद बाबा से पूछली हो कि ए नारद बाबा, बर कैसन बा आ बर के घर कैसन बा। तब नारद जी कहतनी पार्वती के माई मैना जी से, ए जी लड़का तो ऐसन बड़ुआ कि ऐसन लड़का दुनिया में कहीं नहीं खे, तीनों त्रिलोक में ऐसन कहीं बर नहीं खे। अरे लड़का तो साक्षात त्रिलोकी नाथ हवे, भगवान भोलेनाथ हवे। अरे ओहे तो मड़वा में अजोर हो जाई आ गांव नगर में शोर हो जाई आ देख के पूरा लोग भी भोर हो जाई आ घर के बारे में तो पूछबे मत करी, मानी कि सब केहू उनके घर में रहेला। अब देखी दामाद के बड़ाई सुन के मैना रानी बहुत खुश हो गईली आ राजा हिमांचल की हां मारो गड़ाई के तैयारी होखे लगा। तो आई चाची माई बहनी हमनियों के मिल के मारो के गीत गावल जा। कितना सुंदर माड़ो गड़ाइल बा, माड़ो गड़ा गइल बा। आंगन में कुहार भाई कलसा लेके आ गइल बाड़े, जौना कलसा में गंगा जल भर के ओकरा पर दीपक जलावल जाला आ ओही दीपक से मड़वा में अजोर होला। देखी हमने की हाँ कोनो भी शुभ काम में कोनो चीज आवेला तो ओकर सबसे पहले परिछावन कइल जाला। जैसे कलसा के परिछावन होला, पीढ़ा के परिछावन होला। तब मैना रानी कलसा परिछे जाता रे आ कुहार भाई नेग मांगता रे, तो एजा एगो गीत होला। ए चाची नेग निकाली नेग। जबा कोहरा कलस ले आई ले
यानी मटकोर के समय आ गई बा। एने पार्वती जी की हाँ माटी कोड़ाए के तैयारी हो रहल बा। आ ओने कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के माटी कोड़ाए के तैयारी हो रहल बा। तो देखी एने भगवान भोलेनाथ की हाँ उहे दिशा में माटी कोड़ाता जौना दिशा से भगवान भोलेनाथ के बारात हिमाचल राजा के द्वार पर जाए। आ देखी एने पार्वती जी की हाँ भी माटी कोड़ाए के तैयारी हो रहल बा। आ सखी सहेली लोग मिल के माटी कोड़े जाता उहे दिशा में जौना दिशा से भगवान भोलेनाथ के बारात द्वार पर आई। त आई परंपरा के अनुसार सुनल जाओ एगो मटकोर के गीत। हरदी उहे आदमी चढ़ावेला जेकर खुद देही पर हरदी चढ़ गईल होखे यानी कि बाजा बाज गईल होखे। तो देखी अब दोनों ओर हरदी चढ़े लागल। देखी एने शंकर भगवान चौका पर बैठल बानी आ ओने पार्वती जी भी चौका पर बैठ गईल बानी। हल्दी चढ़े लागल दोनों ओर आ हल्दी के गीत गवाए लागल। तो आई अब हमनियो के गावल जाओ एगो हरदी चढ़ाई के गीत।
शंकर पर के दीने आशीष दुल्हा बनाइले हे। शिव शंकर पर के दीने आशीष दुल्हा बनाइले हे। कि अग मैया जू के हां रदिया सुहावना है। अब देखी भगवान भोलेनाथ के हरदी चढ़ते ही चेहरा पर निखार आ गई। सांवर दुल्हा गोर लागे लगले। भगवान भोलेनाथ के चेहरा पर मुस्कान खिले लागल। ये दृश्य देख के सब देवी देवता मने मन बहुत खुश होता रहे। आज भगवान भोलेनाथ के बारात जाए अलावा आ बारात जाए से पहले दुल्हा के नहवावन होला। तो देखी भगवान भोलेनाथ के भी नहवावन हो रहल बा। तो हमने की हाँ नहवावन पर एगो बड़ा नीमन गीत गावल जाला। ता आई सुनल जाओ एगो गीत। अगे माई बड़े बड़े बूंदावा परे लांगना, अगे माई भोला भंगिया नहाले आंगना, अगे माई ऐ छेलिया वाइन जवाइन कवना माना, उनकर नजरी उतारे सोहागिनना। अब देखी भगवान भोलेनाथ ससुरारी जाए खाती तैयार होके लगनी सजे लगनी। कैसे सिंगार करतनी भगवान भोलेनाथ गंगा का पार पर, यानी कि जटा में गंगा चंदा लीलार पर, यानी कि लीलार पर चंद्रमा सजले बनी। कान में कुंडल के जगह बिच्छी झूलतिया आ गर्दन में सांप के माला, देही में भभूत रमौले बानी, एक हाथ में त्रिशूल आ दूसर का हाथ में डमरू ले ले बानी। आ बोर के पोशाक ना देखी, कमर में मृग छाला लपेटले बानी। भोलेनाथ सज धज के अब चौका पर नहछु खाती बैठतानी। तो देखी एगो गीत कैसे बा। नोहा काटू नोहा काटू नौआ रे, अंगूरी जानी कटी है रे, बढ़िया से नोहा नाही कटबे जे, तोरा नेग नाही मिली है रे। अब देखी भगवान भोलेनाथ के वही चौका पर चुमावन भइल हो। भगवान भोलेनाथ बसहा पर सवार होके बारात लेके निकलतनी। बसहा खुशी से झूम रहल बड़े। भगवान भोलेनाथ के बरियात जाए खाती तीनों त्रिलोक के कोना कोना से अद्भुत अद्भुत जीव जंतु प्राणी आई बड़े। देवता लोग के अलग दल बा, अभूत पिचास के अलग दल बा, हकनी डाकनी डाइन के अलगे दल बा, जीव जंतु के अलग दल बा। भगवान भोलेनाथ के संग है सभे मतवाला हो गई बा। आ देखी बारात में के बाजा बजाता आ के डांस करता, हाड़ा बिरनी आ घुमुर घुमुर करके सहनाई बजाता, आ सांप अलगे फफकार मारता, आ भूत बताल अलगे नाचता रे अपना धुन में, आ कोनू के गोड़ बात है देखी कोनू के मुड़िए नहीं खे, आ कोनो के भर देही गोड़े बा, कोनो के एको गो आँख नहीं खे, आ तो कोनो के भर देही बुझी की आँखे बा। अब भगवान भोलेनाथ के बारात जौना रास्ता से जाता बुझी की रास्ता क्लियर बा, एको गो ट्रैफिक नहीं खे मिला। हो ना देखी जौना रास्ता से ही बारात जाता वो रास्ता के लोग अपना घर में लुका जाता, दादा रे दादा आज जान बाची की ना। ये बारात के राह रास्ता में जौन भी मेहरारू लड़की देखा तारी उ कहा तारी कि हे भगवान कौन बाछी के कौरम फूटल ई बारात के करा यहाँ जाई, ई दुल्हा के कर हूँ। तो देखी भगवान भोलेनाथ के बारात कैसे गावत बजावत जाता आ लोग देख के का कहता।
देखनी नगर में हो, ऐसा बर नहीं देखनी नगर में हो, नगर में नगर में नगर में हो, नगर में नगर में नगर में हो, ऐसा बर नहीं देखनी नगर में हो, ऐसा दूल्हा ना देखनी नगर में हो। अरे बाप रे बाप, अरे ए सखी, ई बर हकी पीपल हो, राजा हिमांचल जी बारात के स्वागत के तैयारी कर रहल बानी। दुआरे बारात लागे के तैयारी हो रहल बा। पार्वती जी के सखी सहेली लोग बारात के स्वागत में गीत गावता। पूजा करावता। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। दर पूजा हो रहल बाटे, पंडित जी मंत्र पढ़तनी। आ देखिए ना माई बहन लोग कैसन एगो सुंदर गीत गावता। Thank you.
बाबा के चिंता घेरले बा। चिंता उ बा कि मैना रानी से दुल्हा के खूब बड़ाई कइले बाड़े आ उहे दुल्हा अपन ब्याह करे खातिर असली भेष में आइल बा। देखी अब पार्वती के गुरहती के बेरा आ गइल बा। भसुर मड़वा में जाता रे गुरहती खातिर आ राजा हिमांचल के अंगना में पार्वती के सखी सहेली लोग जुटल बा। तो देखी वही में एगो सखी कहता रे ए सखी ये भसुर ऐसन बा तो दुल्हा कैसन होई ए दादा कहीं गौरा के दुल्हा बौराह नइखेनु। गुरहती शुरू बा तब पंडित जी भसुर के हाथ में मंत्र पढ़ के अक्षत देता रे चढ़ावे खाती तो आई ना देखे भसुर का करता रे। तब सखी सहेली लोग कैसे गीत गावता इंतजार रलो उहे बेरा आ गइल बा। लीलरा पर विधि के टाकी बा कुछ बीत गइल कुछ बाकी बा। अब नारद बाबा के गोधन कुटाए आला बा काहे कि इहे बर बंगना में जाए आला बा। एने देखी मैना रानी अपन दामाद देखे खाती बेसब्री से इंतजार कर रहल बाड़ी। आखिर उ दामाद के कब देखेम जे तीनों त्रिलोक के मालिक हवे जेकर इतना बड़ाई सुन ले बानी जेकरा से हमार बेटी पार्वती के बियाह होखे आला बा। अब बर के अंगना में बुलावे खाती हजाम के भेजल जाता। भगवान भोलेनाथ जैसे ही राजा हिमांचल के अंगना में अइलो हन जैसे ही सास अपना दामाद के देखली हो अंगने में गिर गईली हो बेहोश हो गईली हो। राजा हिमांचल के अंगना में रोन पीटन पर गई आहि रे दादा ई का भई आखिर हमार भोली पार्वती कौन कसूर कइले रहली हो। और देखी नारद भगवान के सब केहू खोजे लागल ह सब केहू उनका के कोसे लागल ह गारी देवे लागल ह का ए नारद ई अबोध बेटी तहर का बिगड़ले रली ह आखिर कौना जन्म के बदला से धोल ह कि हमर पार्वती खाती ऐसन दुल्हा खोज के लिए ह ऐसन भिखारी के खोज के लिए ह। तब तक नारद बाबा नारायण नारायण करत अंगना में पहुंचतनी। देखी नारद मुनि ही शंकर भगवान आ पार्वती जी के ब्याह में अगुआ रहल बने। नारद मुनि के बात केहू ना काटेला। नारद मुनि आगम निगम सब कुछ जानी ले। नारद नारद जेकर बात कबो रद्द ना होखे ओकरे के नारद कहल जाला। तो नारद भगवान मैना रानी के समझावतानी आ कहतनी कि मैना रानी ना ना रुआ चिंता ना करी ये भगवान भोलेनाथ हुआन ये सही में तीनों त्रिलोक के मालिक हुआन रुआ अभी कुछ नहीं खी जानत इनकर अनेक रूप बा। हे मैना रानी रुआ बोर पर छी रुआ चिंता ना करी। लेकिन मैना रानी तैयार नहीं खी हो कहतनी ना ए दादा ना ऐसन बौरा पर से हम अपन गौरा के बियाह ना कर। देखिए जाएगो कैसन भाव लागता मैना रानी के कि आगे माई गौरी ऐसन ज्ञानी बेटी के बरवा मिलल बौरा ए माई बरवा मिलल बौरा। नारद बाबा के हम काहिले बिगड़नी बरवा खोजल बौरा हे कि अगमई ऐसन बौरा बरसे गौरा ना बियाहब मोरे गौरा रही है कुआर ए माई मोरे गौरा रही है गौरा लेके डूबब हम गौरा लेके
के उगबा आ गौरा लेके जइबा पाताल हे कि आगमय ओइसन बौरा बरसे गौरा ना बिया हब भले गौरा रही है कुआर ए माई मोर गौरा रही है कुआर। कसहु नारद भगवान मैना रानी के सखी सहेली लोग के समझा बुझा के आ माड़ो में लेके आओ तनी कि चली मतवा चली बर परछी बर राउर बहुत सुंदर बा। मैना रानी केहूंगा अपन दिल पर पत्थर रख के आ अंगना में आओ तरी। अंगना में अइला के बाद लोहा लेले बड़ी लेकिन मने मन में डरा तरी तब पीछे से सखी सहेली लोग गीत गावता का कहता अरे हाय देखो ये सखी ये दुल्हा कैसन बा हो अरे ताको तारे पुरु तो लौंगा ता पछी छा गई बड़े आ बर पर छैला के बाद अब पार्वती के मंडप में बुलावल जाता तो देखिए एगो एजा गीत होला वो गीत ऐसन होला कि सुनते ही हर बाप के करेज फटे लगेला जे बेटी के इतना छोट से पढ़ा लिखा के पोस पाल के सयान कैले बा वो बेटी आज पराया होके जा रहल बड़ी। काढ़ू नाही मांचल हो बाबा अपानी रे पुतरिया हमारो गौरा रे बेटी आखी के रे पुतरिया दीना पार्वती के मंडप में बुलावल जाता कन्यादान और उस शादी के कार्यक्रम अब आगे बढ़ावल जाता। मंडप में एक तरफ शंकर भगवान बैठल बानी बीच में कलसा बा आ दूसरा तरफ पार्वती जी बैठल बानी। तब पार्वती जी मने मन शंकर भगवान से निहोरा करतनी कि हे शंकर भगवान हे भोलेनाथ रउआ तीनों त्रिलोक के मालिक हैं रउआ इतना सुंदर तीनों त्रिलोक में केहू नहीं खे तब राउर शिकायत हमरा यहाँ होता हमरा तनको नीमन नहीं खे लागल प्रभु कुछ विचार करी आपन भेष के बदली। पार्वती जी मने मने मुस्का के देखी का कहतरी कि कलसा के ओटे ओटे बोले ली गौरा देई राखी स्वामी लजिया हमार हे आ तनिया सा रूपवा बदलती महादेव नैहर के लोग पति आए हे स्वामी नैहर के लोग पति आए। अब देखी कैसे चमत्कार होता कि अतने में रूपवा बदलनी महादेव चांदनियन चमके लीलार ए माई दुल्हा सुंदर सुकुमार। देखी
पार्वती जी के विनती सुनते ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपन रूप बदल देले बानी। आ रूप बदलला के बाद वहाँ ऐसन सुंदर दुल्हा तीनों त्रिलोक में कहीं नहीं खे। आ देखी मड़वा अजोर हो गई बटे। भगवान भोलेनाथ आ पार्वती जी के ये अद्भुत जोड़ी देख के कलसा भी मने मन मुस्काता। एजा भी एगो गीत गावल जाला कैसे। कन्यादान के समय आ गई। कन्यादान ऐसन समय है जौना के देख के काठों के करेजा रोवे लागेला, पत्थरों के दिल पिघल जाला, आंगन में सब है भाव विभोर हो गई बाटे, सबके करेजा फाटता, सबे डहक डहक के रोता। राजा हिमांचल पार्वती जी के अपना जांघा पर बैठल बानी। आज पार्वती पराया हो रहल बाड़ी, आज पार्वती के कन्यादान हो रहल बा। मन ही मन राजा हिमांचल कुहुक कुहुक के रोतन। मैना जी के आँख से आंसू के धार बह रहल बा। आज बेटी पराया हो रहल बा।
देखी कन्यादान महादान हुए, ई सौभाग्य जेकरा प्राप्त होला ओकरा मुक्ति मिल जाला। त भक्त लोग हम भी रउआ सबसे निहोरा कर रहल बानी कि कन्यादान रउआ सब भी जरूर करब, अगर आपन बेटी ना होखे त केहू पराया के बेटी, केहू गरीब के बेटी, आपन भतीजी आ ना होखो तो आपन भगनी के कन्यादान जरूर करे के चाही। यही से मनुष्य के जीवन सफल होला। आई हमनी के परंपरा के अनुसार एगो औरी कन्यादान के गीत होला, ओकरा के सुन लिहल जाओ। कोठावा उपारा बाबा मोरवा रे बोलुए मोरवा, बोलिया सुहावन हो लगुए मोरवा, बोलिया सुहावन हो लगुए। आजू के रतिया बाबा जागल हो रही हो, आजू घरवा चोरिया हो जाए हैं, आजू घरवा चोरिया हो जाए हैं। सबरे संपतिया बाबा बाची रे जाए हैं, गौरा बेटी चोरिया हो जाए हैं, गौरा बेटी चोरिया हो जाए हैं। दुआरा पाए बेटी चौकी दरबारे रखब, अंगना में सी पहिया हो रखब, घरवा भीतर हम जागल हो रहब, से हो बेटी बाची रे जाई है, से हो बेटी बाची रे जाई है। दुआरा के चौकी दरवा बाबा सुती रे जाई है, अंगना के नीरा भेदर होई है, अंगना के नीरा भेदर होई है। घरवा भीतर रो सुती हो जाई बसे हो चोरिया हो जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है। कन्यादान हो गई, अब सिंदूरदान के समय आ गई। राजा हिमांचल आ मैना रानी के लग से उठ के पार्वती जी अब शंकर भगवान के बगल में बैठल बाड़ी। आ देखी सात सुहागिन मिल के माड़ो में शंकर भगवान के सिन्होरा देता लो कि भगवान भोलेनाथ अभी सिन्होरा ली आ पार्वती के जिंदगी के सफल बनाई। देखी एक चिटकी सेनूर के कितना महत्व बा, एक चिटकी सेनूर मांग में पड़ते ही दुनिया बदल जाला। तो सखी सहेली लोग भगवान भोलेनाथ से आग्रह करता कि हे बाबा अब पार्वती के मांग में सिंदूर भरी आ पार्वती के जिंदगी के सफल बनाई। तब भोले बाबा सिंदूर दान कर रहल बनी, पार्वती के मांग में सिंदूर भरतनी आ सखी सहेली लोग गीत गावता। का गावता? चुटकी भर
पार्वती जी के एजा शादी संपन्न हो गई। तब प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती की हरा हरा महादेव। अब देखिए शादी के बाद दुल्हा दुल्हन के आशीष दिहल जाता, यानी कि चुमावन हो रहल बा। आशीर्वाद लेता नहीं। अब भगवान भोलेनाथ के संग है पार्वती नैहर नगरी छोड़ के ससुराल जा रहल बड़ी। संपन्न भइल। अगर ई कथा में हमरा से कोनो गलती हो गई हुई तो अपना अनु दुबे के अबोध बालिका समझ के अपन घर के बेटी समझ के माफ करब। हमार आगे भी कोशिश रही कि ऐसा ने बढ़िया बढ़िया कथा कहानी लेके रउआ सबके बीच में आई। तो बोलिए शंकर